नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने ही चैनल ग्रो पूंजी में। दोस्तों आज के वीडियो में बात करने वाले हैं अडानी ग्रुप के स्टॉक्स के बारे में, जहां अडानी ग्रुप को लेकर बहुत ही बड़ी और बहुत ही अच्छी पॉजिटिव न्यूज देखने को मिली है, जिसका ऑलरेडी स्टॉक्स में हमें पॉजिटिव इम्पैक्ट देखने को मिल चुका है और अभी हमें और बड़ा पॉजिटिव इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों अडानी ग्रुप के जो भी स्टॉक्स है, अडानी एंटरप्राइज, अडानी बिल्मार, अडानी पावर, सभी स्टॉक्स के बारे में हम डिटेल में एनालिसिस करेंगे और जानेंगे कि हमें इस टाइम पर किस स्टॉक में एंट्री लेनी चाहिए, जिससे हम आने वाले टाइम में कम टाइम में काफी अच्छे रिटर्न, काफी अच्छा प्रॉफिट बुक कर सके। तो दोस्तों सबसे पहले हम स्टॉक के बारे में जानेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आपको हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले और ऐसी स्टॉक मार्केट में स्टॉक्स की न्यूज और स्टॉक्स की एनालिसिस करके मैं आपके लेके आता रहूं। और साथ ही दोस्तों अब हम जानेंगे कि अडानी ग्रुप को लेकर क्या न्यूज है। दोस्तों जो न्यूज है वो ये है कि यूएस बेस्ड ग्लोबल इक्विटी इन्वेस्टमेंट फर्म GQG पार्टनर्स ने और अबू धाबी की वेस्ट कंपनी IHC ग्रुप ने अडानी ग्रुप में $1 बिलियन का इन्वेस्टमेंट किया है, जो कहीं ना कहीं बहुत ही बड़ा इन्वेस्टमेंट है। और ऑलरेडी इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट हमें कल के दिन यानी कि 28 जून के दिन अडानी एंटरप्राइज में 5% का पॉजिटिव इम्पैक्ट और अडानी पोर्ट में भी 5% का पॉजिटिव इम्पैक्ट देखने को मिल चुका है। लेकिन दोस्तों अब हम ये जानेंगे कि हमें इस टाइम पर अडानी ग्रुप के स्टॉक्स में क्या करना चाहिए, जहां सबसे पहले हम बात करने वाले हैं अडानी एंटरप्राइज की, क्योंकि दोस्तों अडानी एंटरप्राइज में हमें कई सारे काफी अच्छे रिटर्न देखने को मिले हैं शॉर्ट टर्म में। ऑलरेडी हमें इस स्टॉक में डाउन ट्रेंड देखने को मिला है, जो न्यूज बेस पे देखने को मिला था, जो न्यूज आई थी जिसकी वजह से हमें अडानी एंटरप्राइज में एक अच्छा खासा डाउन ट्रेंड देखने को मिला था, जो सब आपको पता ही है ऑलरेडी। लेकिन दोस्तों होता क्या है कि जब भी किसी लार्ज कैप स्टॉक में एक बड़ा डाउनफॉल आता है तो हम वहां पर निगेटिव हो जाते हैं। लेकिन दोस्तों आप जो भी लार्ज कैप स्टॉक है, अगर कंपनी का फंडामेंटल अच्छा है और वो 50% डिस्काउंट में मिलता है, तो दोस्तों आपको छोटी सी क्वांटिटी का इन्वेस्टमेंट कर देना चाहिए लॉन्ग टर्म के व्यू से, जहां हमें अडानी एंटरप्राइज तो 70% से ज्यादा का फॉल देखने को मिला था सिर्फ और सिर्फ 3-4 मंथ के अंदर ही। और दोस्तों अगर मैं बात करूं ग्रोथ की, जिन लोगों ने एंट्री बनाई होगी उन्हें काफी अच्छे रिटर्न भी मिले हैं, 100% से ज्यादा के रिटर्न भी देखने को मिले हैं शॉर्ट टर्म में। लेकिन अब हम बात करेंगे कि हमें यहाँ पर अभी क्या करना चाहिए। दोस्तों अडानी एंटरप्राइज अभी भी अपने 200 EMA के नीचे चल रहा है, किसी भी प्रकार का अभी तक हमें अडानी एंटरप्राइज में बड़ा ब्रेकआउट देखने को नहीं मिल रहा है, लेकिन यहाँ पर सपोर्ट से एक रिवर्सल देखने को मिला है। तो लॉन्ग टर्म के व्यू से दोस्तों आप अडानी एंटरप्राइज में 2000 का SL मेंटेन करके एंट्री बना सकते हैं। जैसे ही अडानी एंटरप्राइज 2750 ब्रेक करेगा, हमें आने वाले टाइम में अडानी एंटरप्राइज में 3000 और 3500 के भी टारगेट देखने को आसानी से मिल सकते हैं। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट स्टॉक की, जिसमें हमें कल के दिन यानी कि 28 जून के दिन इसमें भी 5% का पॉजिटिव इंपैक्ट देखने को मिला था। सेम पैटर्न दोस्तों ऑलमोस्ट इस स्टॉक में भी है, इसमें भी हमें डाउन ट्रेंड देखने को मिला था, आप देख सकते हैं। और दोस्तों इस स्टॉक में हमें बहुत ही जल्द एक ब्रेकआउट भी देखने को मिल सकता है, जहां स्टॉक की प्राइस चल रही है 756 और 765 ब्रेक होते ही हमें इस स्टॉक में ऊपर की तरफ एक अच्छा खासा अप ट्रेंड देखने को मिल सकता है। जैसे ही 770 ब्रेक करेगा, हमें आसानी से इस स्टॉक में 850 और 880 के भी टारगेट आसानी से देखने को मिल सकते हैं। तो आप इस स्टॉक को अपनी वॉच लिस्ट में ऐड कर दे शॉर्ट टर्म के लिए, शॉर्ट टर्म के लिए आप इस स्टॉक में एंट्री बनाए, लेकिन जो आपका SL होगा वो होगा 700 का आपको SL मेंटेन करके चलना होगा। अब हम बात करेंगे अडानी विलमार की और अडानी पावर की, जहां हम बात करेंगे सबसे पहले अडानी पावर की, क्योंकि दोस्तों अडानी पावर कहीं ना कहीं सिर्फ 2-3 मंथ में हमें काफी अच्छे रिटर्न दिए थे आज से 6 मंथ पहले, जहां स्टॉक 100 रुपए से चला गया था सीधा सीधा 300 से 400 रुपए की प्राइस पर। दोस्तों आप देखिए अडानी पावर में एक मस्त अच्छा सा एक पैटर्न बनता हुआ दिखाई दे रहा है, जैसे मैं आपको ड्रॉ करके दिखा देता हूं, एक अच्छा सपोर्ट बन रहा है ट्रेंड लाइन का। अगर आप इस ट्रेंड लाइन के सपोर्ट से इसमें एंट्री लेते हैं तो आपको एक अच्छे रिटर्न भी इस स्टॉक में देखने को मिलेंगे। दोस्तों अडानी पावर है, इसमें ऑलरेडी आप जो SL मेंटेन करके चले वो चल सकते हैं 220 का, स्टॉक की प्राइस अभी चल रही है 254 और जैसे ही स्टॉक अपने
280 का प्राइस ब्रेक करेगा, ऑलरेडी अभी डेली पर अपने 200 ईएमए के ऊपर है, आपको जो एसएल मेंटेन करके चलना होगा वो चलना होगा 220 का, 220 का एसएल मेंटेन करके आप इस स्टॉक में एंट्री बना सकते हैं। अगर मैं बात करूं ये सभी स्टॉक्स में से किस स्टॉक में सबसे परफेक्ट और अच्छी एंट्री रहेगी, उस पर हम लास्ट में डिस्कस करेंगे। अभी आप एक एक स्टॉक को नोट करके रख ले कि किस स्टॉक का क्या एसएल है, किसमें एंट्री लेनी है। लास्ट में हम डिस्कस करेंगे कि ये सभी स्टॉक्स में से, ये चारों स्टॉक्स में से किस स्टॉक में हमें अभी एंट्री बनानी चाहिए। पांच स्टॉक है ऑलरेडी, अडानी ग्रीन भी है, लेकिन अभी हम जानेंगे अडानी विलमार के बारे में। अडानी पावर का आप 220 का एसएल मेंटेन करके एंट्री बना सकते हैं। दोस्तों अडानी विलमार में देखिए यहाँ पर आपको काफी अच्छा कंसोलिडेशन देखने को मिल रहा है, जिसका बेनिफिट हमें आने वाले टाइम में बहुत अच्छा देखने को मिलेगा। ये क्यों देखने को मिलेगा, क्योंकि दोस्तों जिस स्टॉक में जितना ज्यादा जितना बड़े टाइम फ्रेम तक कंसोलिडेशन देखने को मिलता है, उस स्टॉक में ब्रेकआउट आने के बाद में उतने ही स्पीड से एक बड़ा ट्रेंड देखने को मिलता है। आप देख सकते हैं कि ऑलमोस्ट ये स्टॉक 3-4 मंथ से एक ही रेंज में घूम रहा है। दोस्तों इस स्टॉक में जो आपको एसएल मेंटेन करके चलना होगा, या सबसे पहले मैं बात करूं एंट्री की कि एंट्री लेनी चाहिए या नहीं, तो इसमें भी दोस्तों आपको जो एसएल मेंटेन करके चलना होगा वो 370 का शॉर्ट टर्म की व्यू से, जो मैं भी प्रेजेंट में एसएल बता रहा हूं अडानी पावर का और अडानी विलमार का, वो शॉर्ट टर्म के व्यू से है। अडानी पावर का शॉर्ट टर्म से है 220 और अडानी विलमार का शॉर्ट टर्म के व्यू से है 375 का एसएल से आप एंट्री ले। जैसे ही इसमें ब्रेकआउट आएगा, अडानी विलमार में ब्रेकआउट आएगा, और ब्रेकआउट का भी मैं आपको दिखा देता हूं कि ब्रेकआउट किस प्राइस पर आ सकता है। जैसे ही अडानी विलमार अपने 430-435 के ऊपर जाता है, सस्टेन होता है और क्लोजिंग देता है, उसके बाद हमें इस स्टॉक में सबसे पहले टारगेट देखने को मिलेंगे 480-485 के, और अगर ये 490 ब्रेक करेगा तो आसानी से हमें इस स्टॉक में 600-700 के भी टारगेट देखने को मिल सकते हैं। तो दोस्तों आप अडानी के स्टॉक्स को अपनी वॉच लिस्ट में ऐड करके जरूर रखें, कहीं ना कहीं जो पैटर्न इस टाइम पर हमें अडानी विलमार में देखने को मिल रहा है, उसे अडानी विलमार को आप जरूर ऐड करके रखें। जैसे ही ब्रेकआउट देखने को मिलेगा, आप अडानी विलमार को अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर ले, क्योंकि अडानी विलमार ने अभी किसी भी प्रकार का कोई रिटर्न नहीं दिया है। जहां अडानी ग्रीन ने भी डाउन ट्रेंड दिखाया, लेकिन आप देखें कि स्टॉक 460 से आ गया अपना 989,000 के समथिंग, यानी कि ऑलमोस्ट इस स्टॉक ने भी शॉर्ट टर्म में काफी अच्छे रिटर्न दे दिए हैं। लेकिन अभी जो स्टॉक ने नहीं दिया है वो है अपना अडानी विलमार, तो उस स्टॉक को जरूर रखें। और अडानी ग्रीन में भी एक बड़ा कंसोलिडेशन देखने को मिल रहा है, जैसे ही कंसोलिडेशन ब्रेक करेगा, 1060 का रेजिस्टेंस ब्रेक करेगा, उसके बाद में हमें इस स्टॉक में एक अच्छा ब्रेकआउट के बाद एक अप ट्रेंड देखने को मिल सकता है। अडानी ग्रीन में हमें 1700 के भी टारगेट देखने को मिल सकते हैं। तो दोस्तों इस स्टॉक को भी आप अपनी वॉच लिस्ट में जरूर से जरूर ऐड करके रखें। आपको जो एसएल मेंटेन करना होगा वो सिर्फ एसएल मेंटेन करना होगा 800 का एसएल मेंटेन करके आप इस स्टॉक में एंट्री बनाए। 1:3, 1:4 के रेशियो से आपको रिटर्न देखने को मिल सकते हैं अडानी ग्रीन के स्टॉक में। अब हम फाइनली बात करेंगे कि हमें सभी स्टॉक्स में से किस स्टॉक में एंट्री लेनी चाहिए, किस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। जैसा कि दोस्तों ऑलरेडी मैं बता चुका हूं कि अडानी विलमार में काफी अच्छा पैटर्न बना हुआ है, तो आप अडानी विलमार को फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखें। सेकंड में अगर मैं बात करूं तो दोस्तों इस टाइम पर मुझे चार्ट देखकर लग रहा है कि अडानी ग्रीन को भी आप अपने वॉच लिस्ट में ऐड करें, ब्रेकआउट का वेट करें, ब्रेकआउट के बाद आप एसएल मेंटेन करके दोनों स्टॉक में एंट्री ले, क्योंकि दोनों स्टॉक में जैसे ही ब्रेकआउट आएगा वैसे ये स्टॉक आसानी से आपको शॉर्ट टर्म में 30-50% के रिटर्न दे सकते हैं। क्योंकि दोस्तों ऑलरेडी अडानी ग्रीन का अगर मैं आपको रिकॉर्ड दिखाऊं, पहले का वीकली पर एक बार दिखा देता हूं, आप देखिए अडानी ग्रीन ने काफी अच्छे रिटर्न दिए हैं। वैसे तो अडानी के सभी स्टॉक्स ने दिए हैं, बात करूं 2019 में स्टॉक ट्रेड कर रहा था 100 रुपए पे, और वही 2022 में स्टॉक ट्रेड कर रहा था 3000 की प्राइस पर। ठीक है दोस्तों, तो अडानी ग्रीन और अडानी विलमार ये दोनों स्टॉक को आप अपनी वॉच लिस्ट में ऐड करें, ब्रेकआउट का वेट करें और एंट्री लेना बिल्कुल भी ना भूल ले, बट एसएल के साथ। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। जय हिंद।